जय शनिदेव। प्रिय भक्तगण, मैं गुरुमा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जो कि हमारे शनि पीठ मंदिर नई दिल्ली से आप सभी में ज्ञान की वृद्धि हो, आप सभी अपने जीवन में और उन्नति तरक्की कर सके और दुख से मुक्ति पा सके, इसके लिए ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं बहुत विशेष है। गणेश चतुर्थी का पावन उत्सव आ रहा है और इस उत्सव में भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप अपनी राशि के अनुसार कौन सा फूल भगवान श्री गणेश को चढ़ाएं, ताकि भगवान श्री गणेश आप पर प्रसन्न हो और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने अब तक हमारे ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य ही इसे सब्सक्राइब करें। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके, अथवा हमारे जो चैनल का पेज है गुरु रजनीश ऋषि जी जो चैनल है उसके पेज पर जाकर के आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकॉन भी दबाएं, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको आता रहे। आज हम बात करेंगे सिंह राशि वाले इस उत्सव में वो ऐसा क्या करें, भगवान श्री गणेश को ऐसा कौन सा पुष्प समर्पित करें ताकि उनके जीवन में उन्नति होने लगे, तरक्की होने लगे और रुके हुए काम बने। आज आपको विशेष पुष्प जो भगवान श्री गणेश को बहुत प्रिय है, आप यदि इस पुष्प को भगवान श्री गणेश को समर्पित करेंगे तो वो अवश्य ही खुश होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इस उपाय के लिए गणेश चतुर्थी का जो उत्सव है इसमें पढ़ने वाले जितने भी रविवार हैं उस पे आपने इस पुष्प को भगवान श्री गणेश को अर्पित करना है। भगवान श्री गणेश को जपा कुसुम नाम का पुष्प बहुत प्रिय है, हिंदी में उसे गुड़हल भी कहते हैं। इस पुष्प को आप भगवान श्री गणेश को अर्पित करें तो अवश्य ही भगवान श्री गणेश आप पर प्रसन्न होंगे, शुभ फल प्रदान करेंगे। जो भी समस्या आ रही है, चाहे वो धन की है, चाहे शादी की है, चाहे जीवन में कोई अड़चन आ रही है, वो दूर होगी और भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी कार्य आपके सफल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर सिंह राशि वाले अपने घर के पूजन के लिए लाल रंग के गणपति को लेकर के आएंगे, उन्हें स्थापित करेंगे और उनका पूजन करेंगे तो वो भी उनके लिए बहुत फलदायी सिद्ध। सिंह राशि के स्वामी रवि हैं, सूर्य हैं, इसीलिए ये उपाय रविवार के दिन ही आपको करना होगा। जिस दिन आप भगवान श्री गणेश को मिष्ठान में मोदक भी समर्पित करें, भगवान श्री गणेश को भोग लगाने के बाद विशेष रूप से उनका जो वाहन है मूषक चूहा, उसको भी आपने एक मोदक समर्पित करना है। अपने घर के आसपास देखें कोई भी चूहे का बिल हो, वहां पर उस मोदक को रख करके छोड़ाएं। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश के इस गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर वो आपको अवश्य ही प्रसन्न होकर वरदान प्रदान। इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी परेशानी अपने जीवन में है, चाहे वो धन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, प्रेम में, शादी में कोई अड़चन आ रही हो, अथवा आपके जीवन में और भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं, उन नंबर पर आप मुझसे अथवा हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली हमें दिखा सकते हैं। हम आपकी जन्म कुंडली देख करके अवश्य ही आपकी जो भी परेशानी आ रही है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसे करने से आपके जीवन में एक अचूक परिवर्तन आएगा। मुझसे या गुरु जी से संपर्क करने के लिए नीचे स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट आ रही है, आप उसमें से या हमारी जो ईमेल आ रही है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली दिखाने के लिए एक छोटी सी फीस हमारे यहाँ लगती है, जो कि हमारे शनि मंदिर द्वारा जो समाज के कल्याण के लिए विशेष कार्य होते हैं, जैसे कि हम हर शनिवार को भगवान श्री शनिदेव का प्रसाद वितरण करते हैं, गरीबों के बीच में अन्न का दान करते हैं, अथवा जो हम लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, उन सभी के कार्यों में सहायक। तो आप अवश्य ही अगर आपको आपके परिवार में, आपके मित्रों में किसी को भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी
तो आप इसे लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। हमारी और गुरु रजनीश ऋषि जी की 3000 से ज़्यादा वीडियोस इस YouTube पर अवेलेबल हैं। आप उन वीडियोस को भी देखें, आपके ज्ञान में अवश्य ही वृद्धि होगी और आपके जीवन में और अधिक उन्नति आएगी, सुख शांति और सौभाग्य आएगा। तो आप उन वीडियोस को भी अवश्य देखें। मैं गुरुमा रुक्मिणी भगवान श्री गणेश से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि गणेश चतुर्थी आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। जय श्री। क्या आप कर्जे के बोझ से दबे जा रहे हैं? क्या आपका लोन कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है? क्या आप कर्जदारों से परेशान हो चुके हैं? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें